हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर से सिमुलेटर फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पर मैंने इस गेम को फिर से इंस्टॉल कर लिया था और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसको अगर तुम लोगों ने देखा नहीं तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और यहाँ पर एकदम नया ब्रांड न्यू अपडेटेड गेम है तो उसको चलो खेलते हैं और थोड़ा सा मजा लेते हैं। और यहाँ पर तुम्हारा कार फॉर सेल का पूरा एक शोरूम ही है तो इसके अंदर चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि क्या है। यहाँ पर सोफ़ा है जैसे पुराने गेम में था जिसमें हम लोग स्लीप कर सकते थे। और यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कार्ड लिस्ट अपडेट डेकोर एंड स्टैटिक्स है ना। यहाँ पर एक नया बटन आया है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारे मिले हैं जैसे टैबलेट हैमर। और इस हैमर का मुझे क्या यूज़ है पता नहीं, क्या इससे फेंस वेंस टूटेगी क्या देखते हैं। नहीं यार इसमें फेंस वेंस से कुछ नहीं टूटेगा तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बियर भी है और एक स्किल्स वाला लेवल है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ना। थोड़ा चलते हैं आगे और सोचता हूँ चलते हैं पहले विलेज में और देखते हैं यहाँ पर कोई अच्छी गाड़ी मिले तो खरीद लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने विलेज में एंड यहाँ पर मुझे आते ही एक नई गाड़ी दिखी है और इसका मुझको नाम नहीं पता। अगर आप लोगों को नाम पता तो कमेंट मेरे को बता देना। चल देखते हैं कितने की दे रहा है। अरे यार ये तो 10,799 डॉलर्स की दे रहा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं तो मैंने सोचा इसको 6,000 डॉलर में क्या दे देगा पर इसने नहीं दिया। तो सबसे जल्दी चलते हैं दूसरे दीदी के पास और उन्होंने मुझे 8,270 डॉलर्स की ये कार दे दी तो मैं जल्दी से लेके चलता हूँ इस कार को। और काफ़ी सारी इसे गिड़ियाँ भी मारनी है और इसको सेल भी करना है तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं। और तुम लोग इसका इंटीरियर भी देख लो, काफ़ी बढ़िया इंटीरियर भी है। यहाँ पर मैं इसको कूदते फांदते ले आया हूँ अपने शोरूम पर और तुम लोगों ने मेरी हैवी ड्राइविंग तो देख ही ली ना। एंड यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले लगा देता हूँ सेल करने के लिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको 11,000 रुपये में से। A few moments later. भाई लोग यहाँ पर हमारा एक नया कस्टमर आ चुका है जो ये भैया जी हैं। और देख भैया जी कितने की लेते हैं हमारी कार, तो मैंने इनको 15,000 में इस कार को सेल ही कर दिया पूरा। यहाँ पर अपन आते हैं जल्दी सेफ चलते हैं फिर से विलेज में। और यहाँ पर देखता हूँ मुझे कोई BMW सी कार दिख रही है, काफ़ी ओल्ड मॉडल है कुछ अजीब ही और तो 10,000 डॉलर्स की थी तो मैं इसको परचेज़ कर लिया और इसको से टो करा देते हैं। और देखते हैं यहाँ पे कोई आसपास कोई अच्छी और गाड़ी है तो खरीद लेते हैं। ये फिर से डिब्बे वजह से गाड़ी तो इन दीदी से पूछने के लिए देंगी तो इन दीदी से मैंने काफ़ी सारी बार्गेन किए पर इन्होंने मुझको दिया ही नहीं तो सीधा से जैसे बस पकड़ते हैं चलते हैं अपने ऑफिस में। तो गाइस मैं अपने ऑफिस में आ तो चुका हूँ और यहाँ पर हमारी BMW भी खड़ी हो चुकी है तो इसको जल्दी से लगा देते हैं सेल करने पे। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया सेल करने के लिए और तो इसका प्राइस भी हम लोग डाल देते हैं। इसका प्राइस मैं सोच रहा हूँ डाल दो 16,000 एंड इसको देखते हैं सेल करते हैं और कब तक सेल होगी कुछ पता नहीं मेरे को। तो यहाँ पे एक ट्रक था इसको मेरे को पता नहीं चला क्या करना था, इसमें ड्रिफ्ट ट्रैक एंड ट्रक ऑन से ऐसा कुछ काफ़ी सारा चीज़ें लिख के दिखा रहा जो मेरे को समझ में नहीं आई। तब तक देखता हूँ कि दीदी एक आ चुके हैं कस्टमर तो इनको मैं जल्दी से पूरी कार अपनी सेल कर देता हूँ। तो अगर तुम लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तो तब तक के लिए जय श्री राम।